नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज रात्रि 10:30 से आपका दूसरा जन्म होने वाले हैं जी दोस्तों। और अब आपको बता दें कि एक लड़की आपको धनवान बना देगा जी दोस्तों। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर आप अंत तक इन्हें ज़रूर देखें जी दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम जो बातें आपको बताने वाले हैं, जो बातें हम आपको समझाने वाले हैं दोस्तों, आप उन्हें गौर से सुने और उन्हें अपने जीवनकाल में याद रखें कि दोस्तों यह बातों को अगर आप जान लेंगे तो दोस्तों हम आपको दावा करते हैं कि आने वाले समय में आपके जीवनकाल में कोई भी समस्याएँ नहीं आएंगी। जो भी परेशानियाँ छोटी मोटी चल रही है उन परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा जी दोस्तों। आपको बता दें कि आज रात्रि के 10:30 से आप शिव के कुंडली में करों की बहुत ही शुभ स्थिति बनने वाली है। यूँ समझो कि दोस्तों यश में ईश्वर का आशीर्वाद आपके कुंडली पर पड़ चुका है, जिनसे दोस्तों आप शिव के जीवनकाल में विभिन्न प्रकार के चमत्कार होते हुए दिखाई देंगे जे दोस्तों। यूँ कहें तो आज रात्रि 10:30 से आप शिव का दूसरा जन्म हो जाएगा, यानी कि दोस्तों बुरे दौर से आपको छुटकारा मिलेगा और अच्छे जिंदगी की शुरुआत होगी। इसीलिए दोस्तों आज रात्रि 10:30 से आप सभी का दूसरा जन्म होने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों समय आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा जी दोस्तों। जहाँ इतने बड़े ग्रहों की स्थिति है, इतने बड़े आप सभी के लिए शुभ मौके हैं, तो दोस्तों आप इन्हें यूँ ही ना जाने दें और सभी मौके का आसानी तरीके से और सावधानी पूर्वक लाभ उठाएँ जी दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको सभी वह जानकारी देंगे ताकि आप अपने आने वाले जीवन में कोई भी समस्याओं का सामना ना करें जी दोस्तों। यश में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी, इनके साथ आपको कौन कौन सी बातों को भी ध्यान में रखने होंगे, किन किन क्षेत्रों को लेकर आपको सावधान रहना होंगे और आखिर आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों निवेदन बस यही है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो के मध्य में जो बातें, जो सटीक उपाय है आप सभी के जीवन के लिए हर एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे जी दोस्तों। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख दें। माता रानी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर रहेगा। और साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों से जो कि अब आपको अपने जीवनकाल में प्रयोग करने हैं, जिससे दोस्तों अपने जीवनकाल में समस्याओं का समाधान पाएंगे। कि दोस्तों कभी कभी आप जो सबसे अच्छा कार्य कर सकते हैं वह है न अधिक सोचना, न किसी होड़ में पड़ना, यानी कि दोस्तों ना किसी दूसरे के बीच में पड़ना, न आश्चर्य करना, न कोई कल्पना करना और न ही चिंता करना, केवल ईश्वर का स्मरण और उन पर विश्वास रखना कि दोस्तों सब कुछ अच्छा होगा। ईश्वर कृपा और आपका सुदृढ़ विश्वास ही सब पूर्ण करता है। अविश्वास सब समस्याओं का मूल कारण है, इसीलिए दोस्तों आप अपने जीवनकाल में हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखें, आपके सभी कार्यों में आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। और दोस्तों आपको इन बातों के ध्यान अपने आने वाले समय में रखने हैं, इनसे दोस्तों आप अपने जीवनकाल में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान पाएंगे जी दोस्तों। अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो दोस्तों, अगर आप यह बातों को समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि अब आपके जीवनकाल में आपको दूसरा जन्म मिलने वाले हैं और यश में आपको जीवनकाल में क्या क्या बदलाव होंगे। दोस्तों यश में धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में विशेष रूप से रुचि बढ़ेगी। यश में आप अपने रुके हुए काम को सफलतापूर्वक पूरी करने में भी संपन्न रहेंगे। दोस्तों इसमें आपको बता दें कि यश में अपने कार्यों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। अपने काम की बेहतरी के लिए कुछ सकारात्मक बदलाव लाने पर आपको इसमें विचार करना और इनमें कामयाबी हासिल करना आपके लिए निश्चित होगा। इसको बना दोस्तों इस समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आर्थिक मामलों में काफ़ी सूझबूझ और सोच विचार करके ही आपको निर्णय लेना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी प्रकार का धोखा इसमें आपके साथ हो सकता है। दोस्तों किसी नज़दीकी व्यक्ति से अचानक ही किसी मुद्दे पर बहस हो सकता है या फिर बहस छिड़ सकता है। शांतिपूर्ण ढंग से मामला सुलझाएं, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए सुनूंगी, आपको बता दें
कि दोस्तों काफ़ी दिनों से जिस काम के बारे में आप प्रयत्न कर रहे थे दोस्तों उसी संबंधित कोई अच्छी खबर इसमें आपको मिल सकती है। दोस्तों इसमें आर्थिक बातों में स्थिरता महसूस होगी, फिर भी पैसे संबंधित तकलीफ को दूर करने की आपको इसमें कोशिश जारी रखना चाहिए, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि अगर वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों यश में कुछ दिनों के लिए इन्हें स्थगित रखना चाहिए। दोस्तों परिवार में कुछ समय से चल रही अस्वस्थता को दूर करने के लिए ये जो समय है कुछ महत्वपूर्ण समय होगा। यश में आपको इनमें महत्वपूर्ण नियम बनाना चाहिए और दोस्तों इनमें आप कामयाबी होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में घर के सभी सदस्यों के साथ किसी आध्यात्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। और इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि बैंक या फिर निवेश संबंधी कार्य करते समय सावधान रहें, कोई गलती हो सकती है। भावुकता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी और दोस्तों इसी का कोई जो है अनुचित फायदा भी उठा सकता है, तो दोस्तों इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। किसी के साथ भी फालतू बात बात में ना पड़े, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपकी परिस्थिति संबंधित पूरी जागरूकता आपको है और दोस्तों परिस्थिति में बाहर कैसे निकला जाए इस बात का भी यश में आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपकी परिस्थिति संबंधित पूरी जागरूकता आपको है और परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करना है यह भी आपको पता है। आप केवल मेहनत लेने से और तकलीफों का सामना करने से डर रही हैं, इसलिए दोस्तों परिस्थिति में बदलाव नहीं नजर आएगा। इसलिए दोस्तों यश में आपको इनसे सतर्क रहना चाहिए, इनसे कैसे निकला जाए इन पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आप होंगे, आपको बता दें कि आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्य को अंजाम देंगे, अपनी छुपी प्रतिभाओं को भी समझेंगे और उनको सही दिशा में भी यश में लगा पाएंगे। दोस्तों यश में ग्रह गोचर आपके लिए प्रत्याशित लाभ की स्थिति बना रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि यश में दोपहर के बाद कोई अप्रिय सूचना भी आपको मिल सकता है जिससे थोड़ा सा आपको मन भी व्यथित रहेगा। दोस्तों यश में आप जो है किसी रिस्क की प्रवृत्ति से दूर रहें, इनसे बचें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आपको बता दें कि घर में मेहमानों के आगमन से भी कुछ महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, परंतु दोस्तों आपसी मिलजुल से खुशी यश में आपको अवश्य मिलेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि अधिकतर काम तेजी से प्रगति की ओर भी बढ़ेंगे जिसकी वजह से आपको समाधान भी प्राप्त होगा और नए काम की शुरुआत करने के लिए उत्साह और आत्मविश्वास भी आपके साथ बढ़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार संबंधी कोई भी बड़ी समस्या का समाधान भी इसमें आपको प्राप्त होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ समय व्यतीत होगा। आप जो यश में कड़ी मेहनत और परिश्रम की वजह से सब कुछ हासिल भी कर पाएंगे जिसकी वजह से यश में आपकी सभी तमन्नाएं और सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यश में दोस्तों बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और इनसे आपके मनोबल भी बढ़ने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आर्थिक कशमकश भी रह सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। कभी कभी यश में सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको कुछ कम लग सकता है, इसका एहसास हो सकता है। दोस्तों कुछ देर आपको इसमें मेडिटेशन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, यश में आप अपने नकारात्मक शक्ति को दूर करेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि भावनाओं तथा क्रोध पर यश में आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यक्तिगत बातों के बारे में खुलकर चर्चा करने की वजह से आपकी परिस्थिति का फायदा कोई उठा रहा है, इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि आपके मित्र परिवार और आसपास के व्यक्तियों को परखने की आपको आवश्यकता होगी क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा ही आपकी निजी भविष्य में बड़ा नुकसान होने की आशंका बन रही है, तो दोस्तों इन सभी क्षेत्रों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यशों में कामकाज को यश में गंभीरता व फिर संजीदगी से लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। परंतु दोस्तों इस बात का यश में आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपके कोई बिजनेस के सीक्रेट लीक तो नहीं कर रहा, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को भी मनोवांछित उपलब्धियां मिलने के आसार बन रही हैं, कोई प्रमोशन की संभावना बन रही है, इसलिए दोस्तों इसमें आपके मन में भी हर्षोल्लास का समय रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से काम संपन्न होते जाएंगे तथा आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी यश में बखूबी तरीके से कर पाएंगे। परंतु दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए, आपको बता दें कि कार्य की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाना आपके लिए आवश्यक होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति भी अतिरिक्त आय के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास ना करें, ये आपके महानि का कारण बनेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे,
दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण इसमें उत्तम बना रहेगा, परंतु विवाहेतर संबंधों का असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है। यदि दोस्तों ऐसे संबंधों से दूर रहकर ही आपको अपनी गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों सर्दी से अपना बचाव अवश्य करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। ये जो समय है आपके लिए नजला, जुकाम और फिर बुखार की दिक्कत आपको रह सकती है, तो दोस्तों इनसे आपको अपने स्वास्थ्य को बचाना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे।